पठानकोट में ठंड है लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। अरविंद केजरीवाल यहां पर आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, तिरंगा यात्रा निकालने के लिए, लेकिन उसी के साथ एक तस्वीर ये भी कि जहां पंजाब सरकार का विरोध करने के लिए, चन्नी सरकार का विरोध करने के लिए कुछ युवा इकट्ठा हो गए हैं, और इसी जगह पर अरविंद केजरीवाल का रोड शो तिरंगा यात्रा भी निकलनी है। अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच चुके हैं। पंजाब पहुंचने के बाद उन्होंने जो पहला मुद्दा उठाया वो अपने रंग को लेकर उठाया कि उनके रंग को लेकर उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, लेकिन ये रंग काला है क्योंकि पंजाब के लोग उन्हें पसंद करते हैं। पंजाब के जगह जगह वो घूम रहे हैं, वो एसी गाड़ी, एसी हेलीकॉप्टर में या दूसरी जगह से नहीं चलते, यही वजह है कि उनका रंग काला है। तो रंग का मुद्दा पंजाब में उठ चुका है, शिक्षा का मुद्दा पंजाब में उठ चुका है, और ये विरोध जो आप देख रहे हैं ये जगह जगह हो रहे हैं। वजह क्या है, विरोध की वजह क्या है? सर भर्ती में हमारा नाम नहीं आया। किस में नाम नहीं आया? कांस्टेबल की भर्ती में। नहीं तो वो मैरिट नाम आता कैसे? मैरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। हमारे जितने मार्क्स चाहिए उतने हमारे हैं सर, हमारा नाम ही नहीं आया। तो फिर हमने मार्क्स 70 चाहिए थे सर। आपके कितने? 70 ही है सर। विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह ये है कि हमारे जो भर्तियां इन्होंने सिफारिशी के तौर पे की गई, हम इसलिए चाहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए, ओपन करके हमें ये भर्तियां करवाई जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। जो हम इतने महीनों से इतने ग्राउंडों में हम दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका इंसाफ चाहिए। मैरिट लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं आया? मैरिट लिस्ट में इन्होंने नाम नहीं बताया, बस इन्होंने हमारा मुंह बंद करने के लिए एक मैरिट लिस्ट बता दिया, और वो भी अभी डिक्लेयर करके नहीं बताया गया। एक्चुअली जो उन्होंने मैरिट लिस्ट अभी निकाली है ना, उसमें इंडिविजुअल मार्क्स शो किए हैं, बल्कि हर एक बच्चे के। और जो पिछले इतने साल से हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने अब हमारा मुंह बंद किया। इन्होंने हर एक बच्चे के इंडिविजुअल मार्क्स शो किया। जो सर इन्होंने पहले लिस्ट निकाली थी ना, उसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। और सर अब जो इंडिविजुअल मार्क्स दिए ना, जो सर लिस्ट निकाली उसमें किसी बच्चे के शो नहीं है। हमें क्या पता चलेगा जी, क्या मुद्दा? क्या मुद्दा सर? यही है कि जेडे पेपर कैंसिल किए इन्होंने एसआई कांस्टेबल और इन्वेस्टिगेशन दे, आप चाहते हैं कि वो पेपर करवाए जान और फिर उस तो बाद जेड़ा है एक कांस्टेबल का पेपर करवाया जाए। बिकॉज सारे को बाद विच इहदे फार्म लगे ही थे, पेपर दा मतलब हिसाब किताब जो भी होना बाद विच जेड़े पहला कराया वो जे कैंसिल कर दिते गए, तो ये भी कैंसिल किया जाए, ये जेड़ी है बाद चो करवाई जाए। अरविंद केजरीवाल भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा आप उनके सामने उठाने के लिए रखना चाहेंगे? बिकॉज साडी सरकार ने सानू तंग ही बहुत किया है, जेड़ी सीधी गल है सर। वोट्स भी उसको मिलेंगे जो हमारा साथ देगा। एक नेम वोट डाले इन्होंने बीच में, जो कि बाहर के आउट ऑफ कंट्री के नेम डाले, इसराइल है, बोस है, प्रीति ऐसे। ये तस्वीर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ही तिरंगा यात्रा निकालने हैं। जहाँ पर एक तरफ तिरंगा यात्रा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। और ये पंजाब में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं चल रहे हैं, जगह जगह यही हालात हैं कि पोस्टर पॉलिटिक्स में जो जो घोषणाएं की गई हैं, इन तमाम लोगों का आरोप ये है कि वो ग्राउंड पर काम नहीं हुए, सिर्फ पोस्टर के जरिए बता दिए गए। यही वजह है कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जिन लोगों को परमानेंट किया जाना था, जिनका जिक्र किया गया कि 36,000 लोगों को परमानेंट किया गया, वो लिस्ट मांग रहे हैं कि वो लिस्ट कहाँ है जिन लोगों के नाम परमानेंट लिस्ट में आए हैं। तो इसी तरीके का हालात है पंजाब के अंदर, यानी कि राजनीति पूरी तरीके से पंजाब में गर्मा चुकी है। जो वादे करका कांग्रेस सत्ता में आई थी उसका हिसाब इस तरीके से युवा मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।